हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खाना कुछ स्पेशल। स्पेशल में आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की पकौड़ियाँ की सब्जी। बेसन के पकौड़ियों की सब्जी तो अभी बन रही है। पकौड़ियाँ भाई जी बना रहे हैं, ठीक है, मैं दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस ये आटा पकौड़ियों का, ये पकौड़ियों के छोटे छोटे पीस, अभी इसको गोल गोल करना है। कुछ तल चुकी हैं तो कुछ अभी तल रहे हैं, बाकी मैं अभी तलता हूँ थोड़ी देर में। अभी मतलब कि तल नहीं रहा, मतलब मैं इनको ऐसे ऐसे जैसे अभी भाई ने एक बनाया है गोरियाँ, ऐसे बना रहा हूँ। तो वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो गाइस आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम किस तरीके से बना रहे हैं पकौड़ियाँ बेसन की, और इसके भी बना रहे हैं सब्जी। तो आप भी देखते रहना, जिन जिनको नहीं आती बनानी तो वो यूट्यूब पे देख लें, क्योंकि हम भी बहुत आगे पहुंच चुके हैं। हमने सब कुछ बना लिया, पकौड़ियाँ तैयार कर ली, इसका आटा गूंथ लिया। आते हैं वैसे नून मिर्च, ठीक है, बेसन, धनिया वगैरह हो गया, आप अपने स्वाद में कुछ भी डाल सकते हो, मसाले जैसे गर्म मसाला वगैरह जो भी आप डालना चाहते हो, बाकी अजवाइन आपके अनुसार है, आप अपने टेस्ट के अनुसार कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि आपकी जेब है, आपका पेट है, क्यों सही नहीं कह रहे। बाकी खाना हम डेली बनाते हैं, बट डेली हम नॉर्मली अपना छोले वगैरह ये चीजें, छोले राजमा बढ़िया, बट आज हम कुछ स्पेशल बनाने लगे हैं। मतलब बहुत स्पेशल ही है, गोदड़े भी बोलते हैं। अपने वहां वैसे हरियाणा वालों को पता ही होगा कि गोदड़े ही बोलते हैं इसको, गोदड़े पता ही होगा। राजस्थान साइड गट्टे बोलते हैं, बाकी भाई साहब कह रहे हैं कि राजस्थान में गट्टे बोलते हैं उनको, गट्टे। बाकी अपने वहां बेसन की पकौड़ियां भी बोल देते हैं। बाकी सबके घर में अलग अलग बोलते होंगे, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ लोकेशन के अकॉर्डिंग। बाकी जरूरी नहीं कि आप इनको लंबी करनी है, छोटी छोटी बना के, जैसे हम थोड़ी सी गोलियां बनाते हैं, जैसे गोलियां बनी है आप ऐसी बना सकते हो, छोटी गोलियों टाइप अलग अलग शेप भी दे सकते हो। आप इसका ट्रायंगल बना लो, रेक्टेंगल बना लो, तो थोड़ी सी बना लो, तो आपके शेप के अनुसार है, आप कैसे बना सकते हो। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मेरी पहली वाली वीडियो है उसपे 5100 व्यू हो चुके हैं कंप्लीट, मतलब 5000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग, ऐसे सपोर्ट करते रहना। और अपने जो सब्सक्राइबर है वो भी 450 हो चुके हैं पूरे, अगर यकीन नहीं है तो आप चेक कर सकते हो। बाकी जब आप वीडियो देखेंगे उस टाइम तो आपको बड़े हुए मिलेंगे, बाकी मैं इस टाइम मौके की बात कर रहा हूँ, मौके पर 450 व्यू हैं वो सब्सक्राइबर हैं। बाकी जो इसमें है, इसमें तेल है जो मैं अपने हाथों पर लगा रहा, ताकि जो बेसन की पकौड़ी है ज्यादा ना चिपके हाथ पे, क्योंकि हल्की हल्की चिपक रही है हाथ पे, दिख रहे होगा आपको पीला पीला बन, क्योंकि तेल लगाने से बहुत कम चिपकती है और फिर अच्छी बन जाती है, जल्दी बन जाती है, जल्दी घुल मिल जाती है, नहीं तो फिर हाथ पे चिपकती है, उसमें फिर दिक्कत आती है। बाकी आपको बना के पूरी दिखाएंगे, खिलाएंगे आपको।
तो मैं आपको व्हाइट एंगल से दिखाता हूँ प्रॉपर ना। बाकी पकौड़ियाँ हो चुकी हैं तैयार। ये बन चुका है हमारा सितारा। ये पक रही है, ये बन रहे हैं अपने फिंगर चिप्स। मतलब दोस्तों फिंगर चिप्स नहीं है, पकौड़ियाँ ही हैं, ठीक है। बाकी बीच में अपना देखो सितारा, मक्के से काटा हुआ धनिया, और ये पड़ी हैं अपने फिंगर चिप्स बने हुए, मतलब पकौड़ियाँ, लहसुन की पकौड़ियाँ, ठीक है। बाकी बनने सब्जी बनाते हैं उसके, वो भी दिखाते हैं आपको मसाले वगैरह कैसे डालने हैं कैसे नहीं, तो बने रहना वीडियो में। अपने प्याज कट के हो चुके हैं तैयार, ये बड़े और ये छोटे। अभी हम लगाएंगे तड़का, तो दिखाते हैं आपको, लेट्स सी, एंड बने रहना वीडियो में। तो अभी डाला जाए सूखा धनिया, धनिया जीरा, प्याज, तड़के का सामान तैयार। तो बाकी का आपको थोड़ा फास्ट में दिखाएंगे, ठीक है। दो बने वीडियो में, बाकी एंड में मिलते हैं जब पूरी सब्जी सब सामान उनके तैयार हो जाएगा। कितना आपको थोड़ा फास्ट में दिखाते हैं, I'm not afraid to die.
गुने जाऊंगा आटा, पहले मैं छान रहा हूं आटे को, उसके बाद आटा गूंदूंगा, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो भाई सब्जी बन के हो चुकी है तैयार, बस थोड़ी देर पका देते हैं इसको, उसके बाद दिखाएंगे आपको, थक भी बताएंगे आपको कैसे बनती कैसी नहीं, थोड़ी देर पकने दो इसको। ओके जो मेथी है धनिया इसको बाद पाएंगे बनने के बाद, तो मिलते हैं आपको सब्जी बनने के बाद ही। देख रोटी ऐसे खुलती है, रोटी खुली रोटी पहले थल तो लावा आधा किलो हैं, रोटी कहाँ खुली हो जानी चाहिए। तो भाई रोटियाँ हो चुकी है तैयार, और अभी भाई सब डाल रहे हैं सब्जी, तो अभी हम खाएंगे तो बताएंगे कैसी बनी है, तो बने रहना वीडियो में, अभी आपको खाएंगे, हम खाएंगे खाना तो बताएंगे कैसी बनी कैसी नहीं, बाकी टेस्टी बनी होगी, बाकी जो जनवर टेस्ट आएगा आपको बताएंगे, यानी कि फेक बताएंगे, अगर अच्छी होगी तो अच्छी बताएंगे, थोड़ी कहीं पैसे भी तो वही बताएंगे। तो भाई जब मैं थोड़ा सब्जी को टेस्ट करने वाला हूँ, देखते हैं कैसी बनी है, इसमें थोड़ा डाल लेते हैं पहले देसी घी, थोड़ा देसी घी डाल लेते हैं, हमने रखा हुआ लाया था अपने घर से, हमारी माता जी ने मम्मी जी ने बिल्कुल प्यार से दिया था जो बना के घर पे ही, घर का बनाया हुआ देसी घी है। वैसे गला खराब हो रहा है मेरा, बट कोई बात नहीं, अब तो टेस्ट बनाने के लिए तो खाएंगे ही, नहीं दही नहीं खाऊंगा, वो कह रहे हैं दही पूछ रहे हैं, लेकिन मैं दही नहीं खाऊंगा क्योंकि दही से रात का टाइम है तो दही ज्यादा खराब करेगी गले को भी। गर्म गर्म सब्जी में जैसे की तो ओहो बढ़िया लगा, जैसे की का तो गर्म गर्म सब्जी में नॉट बैड यार, बहुत अच्छी बनी है, रियलिटी में कह रहा हूँ, मूंग मिर्च का जो स्वाद है बिल्कुल एवन है, मतलब तो जो नॉर्मली हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल जो हम बनाते हैं डेली वो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी मसाले मसाले वगैरह भी क्या मैं देख लेता कैसे जो बनी थी। ठीक है चलो अब हम खाते हैं खाना, भाई सब बना रहे अपने लिए रहता, पता भाई ने तो खानी नहीं गला खाना, खाऊंगा थोड़ी सी खाऊंगा।
मैं वेट कर रहा हूँ, अभी बना रहे पीछे लगे रायता, बूंदी वाला रायता। रायते में अभी नून मिर्ची डाली, और नून और बूंदी, क्योंकि ऑलरेडी सब्जी में अच्छे हैं स्पाइसी सब्जी। हाँ पता नहीं भाई नो, तो हम खाते खाना, ठीक है मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो गाइस खाना खुना खा के, ठीक है मैं हो चुका हूँ अपना स्टैंड अप, मतलब खड़ा हो चुका हूँ। तो गाइस साहब अभी खा रहे हैं, इनका पीने से नहीं हुआ। तो बाकी बताना कि मतलब कि वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी हमें तो बहुत मज़ा आया ये बनाया जो हमने और खाया, इंडिया की मतलब कि मम्मी जी की माता जी की याद आ गई, क्योंकि लास्ट टाइम उन्हीं के हाथ का बने हुए खाया था, तो आज हमने बनाया। हमको भी बहुत खुशी हुई कि हम आज इस लायक हैं कि हम अपने बुज़ुर्गों के सिखाए हुए, मतलब बुज़ुर्गों वाले अपने माता पिताओं माता जी के हाथों से बनी हुई सब्जी जो हम खाते थे, आज हमने मतलब उसी के अकॉर्डिंग बनाई है, उनके सिखाए हुए हैं हम, ठीक है। तो बाकी वीडियो कैसी लगी, एंड तक आपने देखी तो आप लोगों ने देखी होगी कि हमने कैसे कैसे कोड़ियाँ बनाई बेसन की, और फिर सब्जी पूरी बनाई, उसके बाद आटा वगैरह गुन्ना, रोटी भी बनाई, सब कुछ आपने देखा होगा। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि आज हम मतलब कि अपने खुद के दम पे खुद मतलब इतने आगे बढ़ चुके हैं अपने पेरेंट्स की मदद से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे घर वालों का, हमारे पेरेंट्स का, माता पिता का, भाई बहनों का, सबका, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पे हैं, ठीक है। तो बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है, अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन जाननी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने को जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।